नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज नगर परिषद व आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सभापति बीना गुप्ता, आयुक्त सोहन सिंह नरूका, पूर्व न्यास अध्यक्ष प्रदीप आर्य, आर्य कन्या विद्यालय समिति निदेशक कमला शर्मा सहित स्कूल प्रबंधक व स्टाफ कर्मी मौजूद रहे। नगरी सर्किल से शहीद स्मारक तक निकाली गई इस रैली में जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां सभी के हाथों में थी। आर्य कन्या विद्यालय और नगर परिषद के संयुक्त सहयोग से नो मास्क नो एंट्री जो राजस्थान सरकार का अभियान है उसको आगे बढ़ाने के लिए आर्य कन्या विद्यालय आगे आई है और 4 से 5 हज़ार मास्क पूरे अलवर शहर में और विशेषकर बच्चों को आज बांटने का अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं और कल इसके लिए हमने रंगोली प्रतियोगिता लगाई है मनाई है जो अशोक सर्किल पर आयोजित की जाएगी। इसमें बच्चे भाग लेके नो मास्क नो एंट्री पे अपना विजन देंगे। भैया देखो ये देश बहुत ही भारी संकट से निकल रहा है। कोरोना महामारी ने 6 महीने से हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। घर घर के अंदर मरीज मिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारा कार्य व्यापार सारा ठप हो गया है। लेकिन अब हमको आगे तो चलना ही होगा, तो उसके लिए कुछ सरकार ने हमें मार्ग निर्देशित किया है। अगर हम उसका पालन करें तो निश्चित रूप से हम कोरोना को जीत सकते हैं और इस जंग को जीतना ही हमें पड़ेगा, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, हम उसको आज उस अभियान के तहत ये रैली निकाल रहे हैं कि हम सबको केवल इतनी सी बात हम मान लें कि वे मास्क लगाएं, घर से बाहर निकलें तो हम मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें। अगर इतनी बात हम सब लोग मानने लग जाएं, इस बीमारी से बचाव हो सकता है और बचाव ही इसका उपचार है।